Hello everyone, welcome and welcome back to all of you. This is Simaya. In this video lecture, we will study about the Newton's first law of motion as well as inertia, just because both are related to each other. Let's continue without wasting any time. Newton's first law of motion. It states that an object will continue to remain in its state of rest or of uniform motion along with a straight line path unless an external force acts on it. चलिए read तो हमने कर दिया, अब क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? तो देखिए ये एक negative statement है. क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? इस negative statement में ये बोला जा रहा है यहाँ पर कि कोई भी object या कोई भी body will continue to remain, in its state of rest or state of motion. Motion से मेरा मतलब uniform motion. Uniform motion along with a straight line path. कहने का मतलब कोई भी object या कोई भी body, basically उसकी क्या होती है? दो position होती है, दो state होती है. या तो वो रुकी हुई होती है, या तो वो चल रही होती है. यदि वो रुकी हुई है, that means position और स्टेट ऑफ रेस्ट. एंड सेकेंड, जबकि वो चल नहीं रही है, जबकि वो चल रही होती है, दैट मीन्स वो मोशन कर रही होती है, दैट मीन्स ही स्टेट ऑफ मोशन. अब मोशन कैसा? मोशन कर रहा है तो ऑब्वियसली किसी रफ्तार में कर रहा होगा, और वो रफ्तार वो मोशन कैसा रहेगा? यूनिफॉर्म. आपको याद होगा हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन वगैरह पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर में. तो यूनिफॉर्म मोशन जो है वो यहाँ पर भी यूनिफॉर्म मोशन कहने पर इसलिए जोर दिया जा रहा है, इसके पीछे एक रीजन है ना. मोशन यूनिफॉर्म से नॉन यूनिफॉर्म जो है होने के लिए या करने के लिए है ना फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. ठीक है, फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा. यदि मोशन यूनिफॉर्म ही बना रहेगा जब तक कि फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा. समझिए बात को, पहले तो स्टेटमेंट समझिए. स्टेटमेंट क्या बोल रही है, ये लॉ क्या बोल रहा है? कोई भी ऑब्जेक्ट सपोज यदि वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर बना रहेगा तब तक जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए. ठीक है, अब सपोज अब हम समझते हैं इस चीज को सेकंड पोजीशन से. तो सेकंड स्टेट क्या होती है? बेसिकली स्टेट ऑफ मोशन. अब मोशन से मेरा मतलब आप इसी रफ्तार से जा रहे हैं, है ना. आप स्टीयरिंग, सपोज आप गाड़ी ड्राइविंग कर रहे हैं, कार जो है वो आप ड्राइविंग कर रहे हैं यहाँ पर, और ड्राइविंग आपकी कैसे होती है? जनरली हम जो सड़कों पर मोशन कर रहे होते हैं, सड़कों पर गाड़ी चला रहे होते हैं, वो बेसिकली क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है. हम समय समय पर क्या करते हैं? गियर तो चेंज करते हैं, समय समय पर हम क्या करते हैं? ब्रेक भी दबाते हैं ब्रेकर से आने पर, या सडनली कोई रैंडमली पर्सन हमारी गाड़ी के सामने आ जाता है तब भी हम ब्रेक अप्लाई करते हैं यहाँ पर भी. और हम अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए एक्सीलरेटर का भी इस्तेमाल करते हैं और गाड़ी को एक्सीलरेट करके भी उसकी स्पीड को चेंज करते हैं. तो मोशन जो है वो यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म बना रहता है यहाँ पर बेसिकली. तो यूनिफॉर्म में ही बना रहे तब तक यूनिफॉर्म में बना रहेगा जब तक कि ना तो हम ब्रेक दबाएं और ना ही हम एक्सीलरेट करें. यदि हम सपोज चाहते हैं स्पीड को कम और ज्यादा करें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो हमको कहीं ना कहीं ब्रेक अप्लाई करना पड़ता है, हमको कहीं ना कहीं एक्सीलरेटर को भी दबा करके एक्सीलरेट करना पड़ता है हमारे पे गाड़ी को. तो ये जो हम पैरों से फोर्स अप्लाई करते हैं चाहे ब्रेक दबाने के लिए, है ना, तब भी हम पैरों से क्या करेंगे? फोर्स अप्लाई करेंगे. ठीक वैसे यदि गाड़ी की स्पीड बढ़ानी है एक्सीलरेटर को प्रेस करना पड़ेगा, वहां पे भी आप पैरों से फोर्स अप्लाई करेंगे. तो फोर्स आपने अप्लाई किया तभी था भैया तभी पॉसिबल हो पाया कि आप अपने पोजिशन को चेंज कर पाए, यानी कि आपका यूनिफॉर्म मोशन था और मोशन जो है वो डिस्टर्ब हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया, दैट मींस स्पीड कम और ज्यादा हो गया. अब इक्वल टाइम इंटरवल पर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं हो रहा है, अब मोशन बदल गया. लेकिन जब तक फोर्स अप्लाई नहीं किया था मोशन यूनिफॉर्म बना हुआ था और यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन पाथ में बना रहता. इवन आप टर्न भी नहीं ले पाते, टर्निंग के लिए भी स्टीयरिंग को घुमाने के लिए आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ता. समझ में आ रहा है आपको? टर्निंग लेने के लिए भी यदि आप कुछ नहीं करते हैं ना, ब्रेक दबा रहे ना एक्सेलरेट कर रहे ना स्टीयरिंग घुमा रहे, है ना, समझ रहे बात का, कुछ नहीं कर रहे तो गाड़ी अपनी एक सी रफ्तार में चलती रहेगी भाई. वो क्यों बाय डिफॉल्ट या खुद ब खुद अपनी पोजीशन को चेंज करेगी? पोजीशन को तो चेंज आपको करना पड़ेगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग,
है ना, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग कभी स्पीड कम कभी ज़्यादा, है ना, कभी आपको टर्न लेना है, कभी आपको लेफ्ट जाना है, कभी आपको राइट जाना है, तो स्टीयरिंग घुमाना पड़ेगा आपको। आप कुछ नहीं करेंगे, किसी तरीके का फोर्स आप यदि अप्लाई नहीं करेंगे तो गाड़ी यूनिफॉर्म मोशन करती रहेगी कि नहीं, एक स्ट्रेट लाइन पाथ पर, आप मुझे बताइए भाई, करेगी ना। और ये तब तक करती रहेगी, अपनी अपनी स्टेट ऑफ मोशन में तब तक बनी रहेगी जब तक कि हम फोर्स, यानी कि हम दैट मीन्स ड्राइवर, है ना, जो फोर्स अप्लाई, मतलब फोर्स अप्लाई ना करें, तब तक वो अपनी पोजिशन में बनी रहेगी। सपोज यदि मैं क्या करी, यूनिफॉर्म मोशन करी किसी स्ट्रेट लाइन पाथ पे, तो मैं मोशन करती रहूंगी, यूनिफॉर्म मोशन उस स्ट्रेट लाइन पाथ पर करती रहूंगी, इवन मेरा पाथ स्ट्रेट बना रहेगा आढ़ा टेढ़ा भी नहीं। समझ आया? टर्म एंड कंडीशन आपको समझ में आई यहाँ पर पे? तो यही लॉ बोलता है, शर्त यहाँ पर पे कहीं ना कहीं एक्सटर्नल एजेंट को फोर्स अप्लाई। अब कार खुद को तो यू टर्न नहीं लगी ना, है ना, कार खुद को तो रुक नहीं जाएगी, खुद को तो एक्सलरेट नहीं होगी ना। एक्सटर्नल एजेंट जैसे कि कार के अंदर बैठा हुआ ड्राइवर, स्टीयरिंग सीट पर बैठा हुआ ड्राइवर, सीट पर बैठा हुआ ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ ड्राइवर, जो कि एक थर्ड पर्सन है, एक्सटर्नल एजेंट है, उस एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू क्या किया जाता है, पैरों के थ्रू क्या किया जाता है, कभी ब्रेक को कभी एक्सेलरेटर को प्रेस करके फोर्स अप्लाई किया जाता है। आ रही बात यहाँ पर आपको समझ, ताकि उसकी स्टेट ऑफ मोशन में चेंज लाया जा सके, डिस्टर्ब किया जा सके, है ना, नहीं तो एक्सीडेंट्स हो जाएंगे यहाँ पर। तो पोजिशन में कोई खुद का कुछ चेंज नहीं करता है, पोजिशन में चेंज करवाया जाता है किसी आपके, मेरे या किसी थर्ड पर्सन के द्वारा। आ रही बात, अभी टेबल यहाँ पर रखा है, सपोज एक डेस्क टेबल है यहाँ पर, डेस्क टेबल खुद को खुद तो नहीं खिसक जाएगा, मैं अपने खींच को डेस्क टेबल खुद को खुद तो नहीं खिसक जाएगा ना भाई, ये एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है ना। अरे लिविंग ऑब्जेक्ट की भी हम बात करते हैं, हमारे अंदर आलस होता है, हमारी एक बेसिक नेचर होती है आलस की, है ना। वैसे ही हर एक बॉडी यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज हैं, जितनी भी नंबर ऑफ बॉडीज हैं, चाहे वो कितनी ही लो मास की क्यों ना हो, कितनी ही लाइट क्यों ना हो, बट हर किसी बॉडीज में जिनका बेसिकली मास होता है, जो कि कॉन्स्टेंट ट्रीट किया जाता है अंदर में, वो सभी बॉडीज क्या करती है, अपनी पोजिशन में चेंज का अगेंस्ट करती है। और तब तक वो अगेंस्ट करती रहेंगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल एजेंट आकर के उस पर फोर्स अप्लाई ना करे। अब आपकी ही बात कर लेते हैं ना, ठंड के दिनों में आप क्या करते हैं, रात भर रजाई में बढ़िया घुसे रहते हैं, और सुबह भी आप रजाई के अंदर घुसे रहना चाहते हैं, आप उठ कर नहाना धोना ड्यूटीज वगैरह पर जाना नहीं पसंद करते हैं। आपकी यदि हम बात करें तो आप स्कूल जाना पसंद नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि आप तो रजाई छोड़ना ही नहीं चाहते, आप तब से आपकी बॉडी रेस्ट पड़ती है और आप अब भी रेस्ट में बने रहना चाहते हैं, आप मूव नहीं करना चाहते, मोशन आप नहीं करना चाहते, क्योंकि भाई आप रेस्ट पर थे, आपको अपनी पोजिशन बदलनी पड़ेगी, आपको अपनी स्टेट बदलनी पड़ेगी, बट ड्यू टू इनर्शिया, यहाँ पर हम वर्ड करेंगे, यहाँ पे एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस होने जा रहा है यहाँ पर इनर्शिया, ड्यू टू इनर्शिया आप अपनी पोजिशन में क्या करेंगे, चेंज का अगेंस्ट करेंगे यहाँ पर, है ना। देखो न्यूटन क्यों हम बोल रहे हैं कि न्यूटन और इनर्शिया जो है वो आपस में रिलेट करते हैं, जस्ट बिकॉज न्यूटन ने कहा तब तक जब तक कि पोजिशन में चेंज तब तक नहीं होता जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना किया जाए उस बॉडी पर, है ना। बट क्यों एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स को अप्लाई करने की जरूरत पड़ रही है, क्यों खुद ब खुद बॉडी या ऑब्जेक्ट अपने पोजिशन पे चेंज नहीं कर पाती है, है ना, क्यों नहीं कर पाती, सवाल यह कर सकता है, जस्ट बिकॉज टेंडेंसी, और हम सभी के अंदर एक टेंडेंसी होती है, और वो टेंडेंसी क्या है, यहाँ पर जकड़, जिसे हिंदी में जड़त पड़ता है और इंग्लिश में इनर्शिया पड़ता है। सो आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस न्यू वर्ड इनर्शिया, ठीक है। ये जो बार बार सवाल खड़ा हो रहा था ना कि एक्सटर्नल एजेंट को फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ढकेलना पड़ेगा, यदि आप किसी चीज को डिस्प्लेस करना चाहते हैं आगे की ओर, तो आपको बाहर की तरफ से पुश के तौर पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। किसी चीज को अपनी ओर डिस्प्लेस करना चाहते हैं तो उससे आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी ओर खींचने के लिए पुल करना पड़ेगा या पुल के तौर पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। किसी चीज को उछालना चाहते हैं या लॉन्ग हॉरिजॉन्टल रेंज ट्रैवलिंग करवाना चाहते हैं तो आपको हीट करना पड़ेगा बेसिकली, है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, फोर्स को आप किसी न किसी फॉर्म के तौर पे अप्लाई करते रहते हैं बेसिकली, है ना, ऐसा ही होता है, तभी पोजिशन में चेंज होता है ना, खुद ब खुद तो चेंज नहीं होता। तो खुद ब खुद चेंज क्यों नहीं होता, जस्ट बिकॉज वी ऑल हैव द सेम टेंडेंसी एंड दिस टेंडेंसी इज नोन एज इनर्शिया। चलिए मैं आगे बढ़ती हूं, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग द सेम फर्स्ट लॉ, दैट मींस द सेम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बट इन सम अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स ऑल
ठीक है, और इनर्शिया को क्या बताया जा रहा है, एक तरह की टेंडेंसी। टेंडेंसी से हमारा मतलब क्या है, नेचर ऑफ ऑल द बॉडीज आर ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन यूनिवर्स। यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज हैं उन सभी बॉडीज, चाहे लिविंग हो नॉन लिविंग नो मैटर, बट हर एक बॉडीज की एक जो कॉमन टेंडेंसी है, दैट मीन्स जो कॉमन नेचर है, वही क्या है, इनर्शिया। दैट मीन्स खुद ब खुद चेंज ना करने का, या चेंज को एक्सेप्ट ना करने का, या अपनी पोजिशन या अपनी स्टेट में चेंज को अगेंस्ट करता है, अपोज करता है, रेसिस्ट करता है। और यही टेंडेंसी, यही नेचर ऑफ द बॉडी, इट्स नोन एज इनर्शिया। अरे बात यहाँ पर आपको समझ, बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता कि वो बॉडी हैवी है कि लो, फर्क नहीं पड़ता कि वो बॉडी जो है वो क्या बोलते लिविंग है नॉन लिविंग है, फर्क नहीं पड़ता सारी बातों से। इनर्शिया को हर किसी पर वर्क करेगा। लेकिन हाँ, इनर्शिया के बारे में एक जरूरी बात जो आपको बतानी है, इनर्शिया हाईली किससे इफेक्टेड होता है, या इस बॉडी और उस बॉडी, यदि हम सपोज हमारे सामने में टू बॉडीज रखी, यहाँ पर टू डिफरेंट बॉडीज, इट मीन्स दे हैविंग द टू डिफरेंट मास। सपोज दिस बॉडी ऑफ मास एम वन एंड दिस इज द अनदर वन ऑफ मास एम टू, आगे बताओ यहाँ पर मैं समझ, दोनों के मास में अच्छा खासा फर्क है, मैं आपको ये बता रही हूँ, पर दोनों बॉडीज के मास में अच्छा खासा फर्क है। तो अब सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि किस बॉडी पर ज्यादा इनर्शिया वर्क करेगा, है ना, एक जो हैवी है एक दूसरी जो लाइट है, है ना। सपोज इसका यदि 20 kg है और इसका यदि क्या है यहाँ पर 60 kg है, है ना, किस पर ज्यादा इनर्शिया वर्क करेगा। सपोज ये 10 है और ये 20 है, सपोज कीजिए यहाँ पर, यदि ये सपोज 2 kg है तो ये 20 kg है, किस पर ज्यादा इनर्शिया वर्क करेगा। आरी बात समझ आपको, सवाल ये खड़ा होता है, लेट मी क्लियर गाइज, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। किसी भी बॉडी का जो इनर्शिया होता है वो उस बॉडी के मास से हाईली इफेक्ट करता है, या उसके मास पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, उसके मास पर। समझ में आ रहा है, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के मास से ही इफेक्ट करता है जस्ट बिकॉज, और मास से इफेक्ट करता है जस्ट बिकॉज मास के साथ उसका रिलेशन, इनर्शिया मास के साथ रिलेशन कहता है, वो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। इट मीन जो बॉडी जितनी ज्यादा मास की होगी उस पर उतना ही ज्यादा इनर्शिया वर्क करेगा। आरी बात यहाँ पर आपको समझ, लेट्स टॉक अबाउट द टाइप ऑफ इनर्शिया इन द नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय। Okay, as you can see here are the relation, again I am going to highlight this, inertia is directly proportional to mass, as you know, what do you mean by the directly or direct proportional, if the two physical quantities are related in this form, it means, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, is that okay or not? It means that inertia increases, inertia बढ़ेगा या बढ़ता है, with increase in mass, mass increase होगा तो inertia भी बढ़ेगा। Second thing, and decreases with decrease in its mass, और यदि object का mass कम हो रहा है तो at the time आपका inertia भी क्या होगा, उसमें कम होता चला जाएगा। Is that okay or not? Just because relation is what? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ऑब्वियसली इन दो फिजिकल क्वांटिटी में किसी एक में गलती से भी यदि जिस तरीके का चेंज होगा उसी तरीके का चेंज क्या होगा पहले में भी देखने मिलेगा। समझ में आ रहा है, जस्ट बिकॉज बोथ आर रिलेटेड इन दिस फॉर्म। इस रिलेशन का मतलब बहुत साफ हो जाता है, जस्ट बिकॉज आप लोग अभी 9th में आए हैं, अभी आप फिजिक्स को कहीं ना कहीं समझ रहे हैं, है ना। दिस इज नॉट ओनली अबाउट दिस टू फिजिकल क्वांटिटीज, इवन एनी काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर रिलेटेड विद दिस रिलेशन इन दैट सिचुएशन, यही होता। इट मीन्स यदि पहली दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से रिलेटेड है, इट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर पे, दूसरी में जैसे जैसे चेंज होगा, जिस तरीके का चेंज होगा उस दूसरे के रिस्पेक्ट में पहले में भी ठीक वैसे ही चेंज आपको देखने मिलेगा, जस्ट बिकॉज बोथ आर रिलेटेड विद दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बोथ आर रिलेटेड
डायरेक्टली प्रपोजल। आगे बताएं आप लोगों को समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए अच्छी बात है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि आप इस चीज को, इस रिलेशन को आगे बढ़ाएं तो कंक्लूजन निकल जाए यहाँ पर पे क्या होगा। यहाँ पर जो हैवी बॉडी है या हैवी ऑब्जेक्ट यहाँ पर पे विल हैव मोर इनर्शिया देन अ लाइटर वेट। सीधी सी बात यहाँ पर पे अब आपको समझ में आ रही है सारी कहानी। आपके पास सपोज कीजिए दो यहाँ पर पे बॉडीज हैं, दो बॉडीज हैं, एक हैवी है और दूसरी लाइट यहाँ पर पे, तो लाइट के नंबर में हैवी पर क्या होगा, ज्यादा मास होने की वजह से उस पर ज्यादा इनर्शिया वर्क करेगा। इज दैट ओके अ नॉट? इस चीज को आप डेली लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं यहाँ पर पे। वैसे तो इनर्शिया के लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स यहाँ पर पे टाइप ऑफ इनर्शिया जब मैं आपको बताऊंगी है ना कुछ देर में, तब मैं आपको यहाँ पर भी डेली लाइफ से रिलेटेड क्या करूँगी हर एक इनर्शिया के एग्जाम्पल्स देते चले जाऊंगी। बट यदि हम कंसिडर करें, अभी हम कैसे कंसिडर करते हैं, एकदम मतलब एकदम ही डेली लाइफ से रिलेटेड। एक्चुअली इनर्शिया का हिंदी, जिन बच्चों को नहीं पता उन्हें बता देती हूँ, उसका हिंदी होता है जड़त्व। जड़त्व या फ्रीज हो जाना, लाइक आलस। जैसी बॉडी फ्रीज हो गई, सपोज आपकी बॉडी फ्रीज हो गई, वैसे फ्रीज नहीं ना, फ्रीज है मतलब कहीं ना कहीं हम जम गए, एक जगह बैठ गए, मतलब आपने आलस आ गया। तो जो आलस है यहाँ पर, दैट मीन्स जो ये जो लेजीनेस है, इसे आप क्या कीजिए यहाँ पर पे, क्या कीजिए यहाँ पर पे, इनर्शिया के तौर पे कंसिडर कीजिए, है ना। जस्ट बिकॉज इसी आलस के चलते आप कोई काम नहीं कर पाते हैं, दैट मीन्स आप जिस स्टेट में, उस स्टेट में बने रहना चाहते हैं, उस पोजिशन में बने रहना चाहते हैं, उस पोजिशन से चेंज का अगेंस्ट करते हैं। दैट्स व्हाई ये जो आलस है, इसे आप इमेजिनेट कीजिए कैसे, इनर्शिया के तौर पर, ठीक है, गुड। अब जो जो दिस आलस होगा क्या, होगा क्या, आप दौड़ भाग नहीं कर पाएंगे, आप यहाँ वहाँ जाना पसंद नहीं करेंगे, आप अपनी, इन शॉर्टेस्ट आप अपनी पोजिशन का या अपने स्टेट का, स्टेट में चेंज का अगेंस्ट करेंगे, रेसिस्ट करेंगे। समझ में आ रहा है हमारे पे? तो आलस किस तरह की टेंडेंसी होगी, एक तरीके से इनर्शिया जैसी टेंडेंसी होगी। तो आलस को हमने इनर्शिया कंसिडर कर लिया। वही अब मैं बात करती हूँ आपके वेट की, है ना। यदि हम लिविंग ऑब्जेक्ट की बात करें, आपकी और मेरी बात करें यहाँ पर पे, तो हम सभी क्या पढ़ते हैं, हम सभी का अपना वेट होता है बेसिकली, भार, जैसे हिंदी में क्या पढ़ते हैं, भार। अब इस वेट को, इस भार को आप एज अ मास टेम्पररी तौर पर कंसिडर कर लीजिए, टेम्पररी तौर पर कंसिडर कर लीजिए। अब मेरा हैवी वेट है भाई, मेरा तो हैवी वेट हो गया, तो मेरा हैवी वेट है और मेरे कंपेयर में कोई दुबला पतला लड़का है, ठीक है, मेरे कंपेयर में कोई दुबला पतला लड़का है, बहुत ही लो वेट है, मेरे से तो लाइट है भाई, तो मेरे से कम वेट उसका है, मतलब मेरे से कम मास उसका है, इन शॉर्ट मेरे से कम मास उसका है। बेसिकली वेट होता है mg, तो जी तो ग्रेविटी है, उसे तो आप कॉमन के तौर पर बाहर कर दीजिए। तो जो भार वाली बात है वो हाईली चेंज, जो हाईली इफेक्टेड है यहाँ पर पे, वो किससे है, मास। जाहिर सी बात है मेरा क्या हो गया यहाँ पर पे, मास ज़्यादा है, उसका इम्पैक्ट होगी अनदर वन, ठीक है, जो कि मुझसे कहीं ज़्यादा पतला है। तो जाहिर सी बात है भाई मेरा मास आपने डेली लाइफ में देखा भी होगा, जो हैवी पर्सन होता है, हैवी मास वाला होता है या ज़्यादा वेट वाला पर्सन होता है मेरे जैसे, वो दौड़ भाग ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। लेकिन मेरे कंपेयर में जो दूसरा पर्सन होगा, जो दुबला पतला है, वो आसानी से दौड़ भाग कर लेगा, उसमें आलस कम होगा, वो ज़्यादा एक्टिव होगा और एक्टिवली परफॉर्म करेगा, वो आसानी से क्या करेगा, किसी भी पोजिशन में, है ना, किसी भी पोजिशन में चल देगा, आसानी से अपनी स्टेज या पोजिशन में चेंज करेगा, उसकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी, उसमें आलस कम है, दैट मीन्स उसमें इनर्शिया कम है। आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर पे, जो अपनी बॉडी में, अपने स्टेट में चेंज का जो अगेंस्ट करता है यहाँ पर पे, ये जो टेंडेंसी थी आलस, ये जो टेंडेंसी थी इनर्शिया, वो उसमें कम वर्क करेगी, वो एक्टिवली परफॉर्म करेगा, उसमें एक्टिवनेस देखने आपको मिलेगी। और वहीं पे मैं एक्टिव लस जस्ट बिकॉज मैं हैवी वेट हूँ, मतलब हैवी मास उस पर ज़्यादा इनर्शिया वर्क कर रहा है। आपने देखा होगा एक मोटे पतले, मोटे व्यक्ति के कंपेयर में एक पतला व्यक्ति क्या होता है यहाँ पर पे, ज़्यादा एक्टिव होता है, वो आसानी से चल लेता है, लॉन्ग ट्रैवलिंग कर लेता है और बहुत ही एक्टिवली परफॉर्म कर लेता है, ये आपने खुद भी देखा होगा जस्ट बिकॉज उस पर कम इनर्शिया वर्क करता है। इनर्शिया को अभी हमने क्या कंसिडर किया था, अपनी सपोजिंग में आलस के तौर पर कंसिडर किया था। तो आई होप ये आपको डाइजेस्ट हुआ हो यहाँ पर पे, बट ये तो होगी भाई हमने यहाँ पर पे टेम्पररी सपोजिंग की थी, है ना, ये एग्जैक्ट एग्जाम्पल नहीं है, ये दिस इज नॉट सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ फॉर दिस टू एक्सप्लेन इन इनर्शिया। Okay, so for the appropriate examples, I am going to introduce the type of inertia, okay? Okay. जैसे कि बार बार कहा गया है यहाँ पर दो तरह की
ऑब्जेक्ट्स की। पहला होता है हमारे पास स्टेट ऑफ रेस्ट एंड सेकंड होता है हमारे पास स्टेट ऑफ मोशन। दो तरह की अवस्थाएं होती है, एक विरामावस्था और दूसरी होती है गत्य अवस्था, दैट मीन्स व्हेन यू आर इन मोशन। ओके सो बाय दिस टू स्टेट्स वी हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ इनर्शिया। वैसे तो तीन होते हैं बट आप नाइन्थ स्टैंडर्ड के हिसाब से दो ही पढ़िए। ठीक है, पहला होता है हमारे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ व्हाट? इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब जब आपकी बॉडी रेस्ट पोजीशन में है और वो उस रेस्ट पोजीशन में बने रहना चाहती है, अपनी रेस्ट पोजीशन में चेंज का अगेंस्ट करती है हमारे। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है। ठीक है, इन योर बुक लैंग्वेज, आपकी बुक लैंग्वेज में कैसे लिखा हमको देखिए, टेंडेंसी। ऑब्वियसली इनर्शिया को अब तक हम एज अ टेंडेंसी पढ़ते हैं यहाँ पर भी। टेंडेंसी दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट जो नेचर होता है ना, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज और अगेंस्ट ट्यू चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, इट्स नोन एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट जब आपको डिफाइन करने कहा जाएगा तो आपको वो कायदा वर्ड्स में लिखना होगा, कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट आपको देना होगा। ठीक है, और ये बिल्कुल कॉमन लैंग्वेज है, बहुत हाईफाई नहीं है यहाँ पर पे, बहुत ही सीधे सीधे कहा गया यहाँ पर। बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में यहाँ पर इनर्शिया ऑफ रेस्ट को डिफाइन किया गया है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए। साथ ही यहाँ पर द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी और ऑब्जेक्ट, ठीक है, टू व्हाट? टू अपोज और अगेंस्ट और रेसिस्ट, ये तीनों वर्ड सेम है यहाँ पर, है ना। बॉडी की किस टेंडेंसी की बात की जा रही है यहाँ पर? तो बॉडी की उस टेंडेंसी की बात की जा रही है यहाँ पर जो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज का या में डिस्टर्बेंस का अपोज करती है, अगेंस्ट करती है या रेसिस्ट करती है। समझ में आ रहा है यहाँ पर आपको? उसे ही हम क्या करते हैं, उस टेंडेंसी को हम क्या करते हैं, द एनर्जी ऑफ रेस्ट करते हैं यहाँ पर। अब इसका डेली लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर, जैसे कि तीन एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने लिए रखे हैं, यू कैन रीड वन बाय वन। ओके, आई एम गोइंग टू रीड फर्स्ट वन। When a bird suddenly starts moving forward, okay, then the passenger in the bus fall backward. ठीक है, तो इसके पीछे एक ही रीजन है, ये जो इवेंट होता है, इवेंट ये जो होता है, हम इस चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, आप सभी ने एक्सपीरियंस किया भी होगा नेचर, इसके पीछे एक ही रीजन है यहाँ पर, और वो एक रीजन कौन है यहाँ पर? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। That means due to the inertia of rest, क्या होगा इसका suitable explanation? तो चलिए I'm going to explain this. जी तो ये तो समझ में आ गया कि इसके पीछे reason क्या है, inertia of rest, but कैसे, क्यों inertia of rest responsible बना इस घटना के लिए, अभी से समझ में आ गया। बहुत ही important event है ये, इसे बहुत ही ध्यान से सुनेगा यहाँ पर। होता क्या है basically, ठीक है, बस है, बस के अंदर आप पैसेंजर्स हैं, बस ड्राइवर लगातार या कंडक्टर लगातार क्या करेगा, पैसेंजर्स को फीड करता चला जाएगा बस स्टॉप पर रुक कर। अभी इसने गाड़ी स्टार्ट नहीं किया, पैसेंजर उसके अंदर बहुत देर से बैठे हुए थे क्योंकि वो अदर पैसेंजर्स चढ़ा के जा रहा था, तब तक बस रुकी हुई थी। बस के रुके हुए रहने की वजह से आपके पैर, उन पैसेंजर्स के पैर दैट मीन्स जब आप उस सीट पर बैठते हैं बेसिकली, तो आपके पैर क्या होते हैं पे, बस के सरफेस के कांटेक्ट में होते हैं। सीट पर तो आप बैठे हैं, सीट तो ऑलरेडी क्या है, बस के सरफेस से काफ़ी हाइट पर होती है, आपके पैर हैं जो बस के सरफेस से कांटेक्ट में होते हैं, सीधे सीधे कांटेक्ट में होते हैं। आ रही बात समझ यहाँ पर पे आपको? तो बस जब रुकी हुई थी तब आपकी बॉडी पूरी तरह से रुकी हुई थी, आपकी बॉडी टू पार्ट्स में क्लासीफाइड कर दी गई है। समझ में आ रहा है? आपकी बॉडी जो है वो टू पार्ट्स में क्लासीफाइड कर दिया है। एक होता है, ठीक है, हम यहाँ पर कैसे क्या करते हैं, तो टू सेक्शन में क्लासीफाइड कर देते हैं, ये होता है अपर साइड और ये होता है लोअर साइड। ठीक है, लोअर साइड मतलब हमारा फिट वाला जो हिस्सा, पैर वाला हिस्सा, इस तमाम हिस्से को हम कहाँ पर पे ले लेते हैं, इसको हम बताते हैं यहाँ पर लोअर पार्ट। तो लोअर पार्ट जो कि क्या यहाँ पर पे, जिसमें फिट हमारे पैर के तलवे हैं, ये क्या होता है, हमेशा सरफेस के कॉन्टैक्ट में सबसे पहले आते हैं। इफ हमारा तभी आप चल पा रहे हैं, तभी आप बैठ पा रहे हैं, तभी आप मोशन कर पा रहे हैं, हर काम जो होता है वो पैरों के थ्रू ही पॉसिबल होता है। ठीक है, बाकी अपर बॉडी क्या होती है, सरफेस के कभी भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आती है ना। मेरी जो अपर बॉडी, दैट मीन्स मेरा जो सर है
है ना, ये जो मेरा सर है और मेरा मुंह है, मेरे हाथ हैं, ये मेरी अपर बॉडी के पार्ट्स हैं, तो ये कभी भी क्या होंगे, डायरेक्ट सरफेस के कॉन्टेक्ट में नहीं आए। सरफेस के कॉन्टेक्ट में पहले कौन आता है, हमारे पैर, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पे, जब बस अचानक से चलना शुरू करती है, जब कोई रुकी हुई व्हीकल से, मेरा मतलब रुकी हुई व्हीकल, जैसे यहाँ पर कंसिडर किया गया बस, बस में होने वाले इवेंट को समझाया जा रहा है। तो जब कोई रुकी हुई बस अचानक से चलना शुरू कर देती है एकाएक, तो आपके जो पैर होते हैं उनके अंदर, बस के अंदर बैठे हुए जो पैसेंजर है उनका जो पैर होता है, दैट मीन्स तलवा, वो क्या होता है, उस बस के सरफेस के कॉन्टेक्ट में होता है, और जिसके चलते वो तो मोशन में आ जाता है क्योंकि वो कॉन्टेक्ट में था, एंड दैट्स व्हाई बस के चलने पर वो भी चलना शुरू कर देता है, दैट मीन्स कॉन्टेक्ट में बने रहने की वजह से उसमें मोशन आ जाता है। बट वॉट अबाउट दी अपर बॉडी, अपर बॉडी का क्या, जो कि उस बस के सरफेस के कॉन्टेक्ट में है ही नहीं। अरे बात यहाँ पर आपको समझ, चले लोअर बॉडी में हम तलों की बात करें, हम पैर की बात करें, हमारे पैर मोशन में आ गए, बट वॉट अबाउट दी अपर बॉडी, अपर बॉडी तो इतनी आसानी से और इतनी जल्दी कॉन्टेक्ट में कभी नहीं आती है, उसे कॉन्टेक्ट में आने में थोड़ा समय लगता है, जस्ट बिकॉज सॉरी हाँ उसे मोशन में आने में समय लग जाता है, जस्ट बिकॉज वो कॉन्टेक्ट में नहीं थी, है ना, समझ में आ रहा है आपको यहाँ पर पे? तो उसे मोशन में आने में समय लग जाता है, वो बस की स्पीड को बाद में कैच करेगी, बट उसको क्या लगता है, अचानक से झटका लगता है किसे, अपर बॉडी को, जस्ट बिकॉज अपर बॉडी क्या है, बस के सरफेस के कॉन्टेक्ट में नहीं है, एंड दैट्स व्हाई। मैं वापस रिपीट करूंगी यहाँ पर भी, ध्यान देंगे आप सभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है ये, है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और यही सेम एक्सप्लेनेशन आपका बाकियों में भी जाएगा, ध्यान देंगे यहाँ पर पे, ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता क्या यहाँ पर पे, ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट आपकी अपर बॉडी क्या होती है, अब भी रेस्ट में बने रहना चाहती है, जस्ट बिकॉज बस इतने देर से पैसेंजर को भरते हुए रुकी हुई थी, बस स्टॉप पे रुकी हुई थी, तो आपकी अपर बॉडी क्या है, रेस्ट पर थी, है ना, बस एक एक चलना शुरू कर दी, तो जो भाई जो तलवा वाला हिस्सा था, पैर वाला हिस्सा था, वो तो बस के कॉन्टेक्ट में था, बस के सरफेस के कॉन्टेक्ट में था, जिसके चलते उसमें तो मोशन आ गया, बट अपर बॉडी जो है वो अभी भी मोशन में नहीं आई है, वो अब भी रेस्ट में बनी हुई है, आ रही बात समझ आ रही है, वो अब भी रेस्ट पर बनी है, ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट वो अब भी रेस्ट पर बनी हुई है, और रेस्ट में ही बने रहना चाहती है, सबसे बड़ी बात क्या है, ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट वो अब भी रेस्ट पे बने रहना चाहती है, अपने पोजिशन का अगेंस्ट करके, कौन, अपर बॉडी, और ये अपर बॉडी क्या करेगी, बेसिकली इसका अगेंस्ट करते हुए वो अभी बैठे रहना चाहते हैं, लेकिन बस तो आगे चल रही है, बस कहाँ चल रही है, आगे चल रही है, और अपर बॉडी क्या है, बस आगे चल रही है, दैट मीन्स बस के साथ आपके पैर आगे की तरफ मूव हो गए, आ रही बात समझ, बस के साथ आपके पैर आगे की तरफ मूव हो गए, बट आपके पैर आगे की तरफ मूव हो गए, बट आपकी अपर बॉडी पीछे, अभी वो खुद को क्या कर रही है, अपर में पीछे आने की बैकवर्ड ही एक्सपीरियंस कर रही है, बैकवर्ड ही फील कर रही है आपकी अपर बॉडी, आ रही बात समझ, और पैर अचानक से कोई खींच देगा, इमेजिन कीजिए कोई आपके पैर आप बैठे हो अचानक से खींच देगा, तो आपके पैर तो खींचा जाएंगे, पैर तो आगे भाग जाएंगे, बट आपको पीछे की ओर धक्का लगेगा, जस्ट बिकॉज आपकी अपर बॉडी अब भी रेस्ट पर है, और वो रेस्ट पे बने रहना चाहती है, वो अपने पोजिशन रेस्ट का या अपने स्टेट ऑफ रेस्ट का अगेंस्ट कर दिया, ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट वो चेंज करती है, और अभी वो उस पोजिशन में बने रहना चाहती है, बट आपके पैर आगे खींच देंगे, आपकी अपर बॉडी अब भी वही, तो ऑब्वियसली आपको बैक साइड क्या होगा, एक धक्का महसूस होगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि एकाएक आपके पैर आगे बढ़ते हैं, एकाएक आपके पैर आगे बढ़ गए तो ऑब्वियसली आपको पीछे की तरफ धक्का लगेगा, आपके पैर आगे बढ़ गए लेकिन आपकी जो अपर बॉडी वो अभी अपनी पोजीशन में बनी है, पैर आगे खींच लग गए, अपर बॉडी पीछे है, तो ऑब्वियसली आप कहाँ फील, कहाँ एक्सपीरियंस करेंगे, आप जो फॉल फील करेंगे यहाँ पर, आप जो है ना, आपका जो एक्सपीरियंस होगा यहाँ पर वो कैसे होगा, पीछे की तरफ धक्का महसूस होगा, क्योंकि आपकी अपर बॉडी अब भी इस पोजीशन में है, लेकिन जस्ट बिकॉज अपर एंड लोअर दोनों बॉडी एक सिंगल बॉडी का ही पार्ट है, जिसे हमने अभी क्लासिफाइड कर दिया है, तो पैर आगे बढ़ेगा तो जबरदस्ती पर अपर बॉडी को भी एट अ टाइम आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन वो बढ़ना नहीं चाहती, वो उसी प्रीवियस कंडीशन में बने रहना चाहती है, उसी पोजीशन में बने रहना चाहती है, और वो प्रीवियस पोजीशन तो पीछे रहेगी ना, वो स्टेट तो पीछे रहेगी, पैर तो आगे निकल गए यहाँ पर, वो प्रीवियस पोजीशन में बने रहना चाहती है, वो बैकवर्ड में बने रहना चाहती है, एंड दैट्स व्हाई बैकवर्ड की ओर हमको क्या होता है, झटका महसूस होता है, इज दैट ओके आर नॉट ओके। यहाँ पर देखिए देखिए कार्बन इज बिटा विद अ स्टिक टू रिमूव द डस्ट पार्टिकल्स, मैं देखिए कार्बन आप सभी ने देखा होगा है ना ओके कार्बन आप लोग देखे होंगे जनरली क्या होता है कि उसको वॉश नहीं किया जाता है,
उसको क्या किया जाता है, बड़ी भारी हैवी स्टिक लेकर उस पर जोर जोर से मारा जाता है, ठीक है, ताकि उसे जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सारे क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। अब इसके पीछे कैसे इनर्शिया वर्क किया, डस्ट पार्टिकल क्या होते हैं बेटा, थमे होते हैं, रेस्ट पर होते हैं, सो जाते हैं, जैसे कारपेट पे क्या है, सो गए, पूरी तरह से रेस्ट पर होते हैं डस्ट पार्टिकल। जैसे हम स्टिक देते हैं तो वो कारपेट क्या होता है, यहाँ पर कारपेट जो कारपेट है यहाँ पर वो कारपेट डिस्टर्ब हो जाता है ना। स्टिक मारते क्या होता है, सारी चीजों में डिस्टर्बेंस आता है, बट जो पार्टिकल्स डस्ट पार्टिकल इतने देर से रेस्ट पर थे वो अब भी रेस्ट पर बने रहना चाहते हैं, और इस वजह से क्या होता है, कारपेट तो हिलता है, स्टिक मारने पर कारपेट तो हिल जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, बट उसके अंदर जो जमे हुए डस्ट पार्टिकल थे वो अब भी रेस्ट पर बने रहना चाहते हैं, और इसी रेस्ट पर बने रहने की वजह से दैट मींस ड्यू टू दिस इनर्शिया ऑफ रेस्ट वो क्या होंगे यहाँ पर पे, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहते, वो मोशन नहीं चाहते, मोशन का अगेंस्ट करते हुए रेस्ट पर बने रहना चाहते हैं, एंड दैट्स व्हाई वो बिना डिस्टर्ब हुए क्या हो जाते हैं यहाँ पर पे, नीचे गिर जाते हैं। एक्चुअली में वो उसी जगह पर बने रहते बट आप समझ रहे ना यहाँ पर पे, ड्यू टू द ग्रेविटी, ग्रेविटी भी तो वर्क करे ना, तो ऑब्वियसली ऊपर तो जाएंगे नहीं, वो नीचे ही गिरेंगे यहाँ पर पे, कि इट मीन्स वो जैसे डस्ट पार्टिकल जैसे कारपेट पे है तो उस कारपेट के साथ डिस्टर्ब नहीं होगा, वो क्या होगा, इतने देर से रेस्ट पर था अब भी रेस्ट पर बना रहेगा, तो वो रेस्ट पर बना रहेगा, शांति से नीचे गिर जाएगा, वो ऐसा नहीं कि वो उड़ना शुरू हो जाएगा, या थोड़ा सा जैसे डिस्टर्ब हुआ तो उड़ के वापस वो कुछ देर बाद शांत हो जाएगा, कहीं ना कहीं बैठ जाएगा, ड्यू टू द व्हाट, ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अच्छा जो नीचे गिरने वाली बात है, देखो एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ध्यान देंगे, वी हैव अनदर एग्जाम्पल ऑफ द सेम सिचुएशन, व्हेन अ ट्री इज वाइगरसली शेकन then what, then some of the leaves falls from the tree, यदि आप किसी पेड़ को हिलाएं है ना, शेक करो बहुत जोर जोर से उसे हिलाते हैं, अचानक जोर जोर से हिलाना शुरू कर देते हैं, तो होगा क्या, उसकी जो ब्रांचेस हैं ब्रांचेस शेक करना शुरू कर देंगे, ब्रांचेस भी मोशन में आ जाएंगे, बट वॉट अबाउट द लीव्स, अब उस पेड़ पर लीव सबसे ज्यादा हाइट पर है, मतलब वो अपर बॉडी होगी सबसे ज्यादा हाइट पर होगी ना भाई, बेसिकली क्या होता है रूट्स होता है, रूट्स के बाद क्या होता है यहाँ पर पे ब्रांच होती है, स्ट्रीम होता है, ब्रांच होती है, ब्रांचेस पे क्या लगी होती है, ट्री लगी सॉरी लीव्स लगी होती है यहाँ पर पे, तो सारी चीजें जैसे हम शेकिंग करते हैं यहाँ पर पे तो मोशन आता है, झटका पूरी पूरी लोअर बॉडी को लग जाता है यहाँ पर पे, जो कॉन्टेक्ट में आए हैं उन सभी को लग जाता है, लेकिन जो कॉन्टेक्ट में नहीं है, पत्ते जो कि अलग के अलग लगे हुए, काफी हाइट पर लगे हुए, काफी दूरी पर लगे, हम शेकिंग यहाँ कर रहे हैं लेकिन वो उस हाइट पर लगा हुआ है ना, वो तो कांटेक्ट में नहीं था ना बेचारा, अब वो कांटेक्ट में नहीं था तो ऑब्वियसली यहाँ पर उसमें यदि उसमें क्या होगा, यहाँ पर चेंज आने में टाइम लगेगा, वो चेंज को तुरंत एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसमें चेंज आने में टाइम लगेगा यहाँ पर, तो चेंज को चूंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, अपर बॉडी की तरह रोल प्ले कर रहा है, बहुत अपर है, बहुत हाइट पर है ना, वो चेंज वो कॉन्टेक्ट में नहीं है, एंड दैट्स व्हाई वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, और चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, वो अब भी रेस्ट पर बने रहना चाहता है, वो पत्ता शांत था उस डाली पर, अब भी वो शांत बने रहना चाहता है, और चूंकि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर पे शेकिंग कर रहे हैं तो क्या होगा, पूरी पूरे जो डालियां वो हिल जाएंगी, और उस पर लग के पत्ते जो हैं ड्यू टू इनर्शिया अब भी रेस्ट पर बने रहना चाहेंगे यहाँ पर पे, और रेस्ट पर बने रहकर वो नहीं हिलेंगे, वो क्या हो जाएंगे यहाँ पर पे शेकिंग की वजह से जगह छोड़ देंगे, दैट मीन्स वहां से झड़ जाएंगे, और झड़ के सीधा क्या हो जाएंगे यहाँ पर पे नीचे गिर जाएंगे यहाँ पर पे। ये जो नीचे गिरने वाली बात है ये ड्यू टू इनर्शिया नहीं है, ये ड्यू टू ग्रेविटी है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर पे, ड्यू टू द ग्रेविटी, जस्ट बिकॉज ग्रेविटी क्या होती है यहाँ पर पे वर्टिकली डाउनवर्ड्स में वर्क करती है, दैट्स व्हाई हर चीज यदि फॉलिंग कर रही है तो वो ऑब्वियसली नीचे ही गिरेगी, ऊपर नहीं जाएगी है ना, तो इसके पीछे रीजन अलग है, लेकिन हाँ वो पत्ते ही क्यों नीचे गिरे उसके पीछे रीजन है, डालियां क्यों नहीं गिरी क्योंकि डालियां क्या कर लेती हैं कहीं ना कहीं शेकिंग के दौरान उस चेंज को एक्सेप्ट कर लेती हैं, ठीक है, लेकिन जो एक्सेप्ट नहीं करता वो होता सबसे अपर पार्ट है ना, जो चेंज आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता जिस वो कॉन्टेक्ट में नहीं होता, और जो कॉन्टेक्ट में नहीं होता वो सबसे अपर पार्ट है, तो पत्तियां सबसे ऊपर लगी होती हैं है ना, पत्तियां सबसे ऊपर लगी होती हैं मतलब वो सबसे अपर पार्ट है, वो कॉन्टेक्ट में है नहीं दूर दूर तक, पर बावजूद क्या होगा यहाँ पर पे वो चेंज एक्सेप्ट नहीं करेगा, और चेंज एक्सेप्ट नहीं करने की वजह से ये होगा कि वो क्या होगा यहाँ पर पे चेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहा, दैट मीन्स जो जो कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट वो इतने देर से शांत था पत्ता, अब भी वो शांत बने रहना चाहता है, शेकिंग के दौरान वो हिलना नहीं चाहता, वो अपने आप में मोशन
नहीं चाहता, तो वो जगह तो छोड़ दिया, क्योंकि आपने जोर से हिलाया वो जगह छोड़ दिया, बट छोड़ा तो गया था ऑब्वियसली ड्यू टू द ग्रैविटी, वो नीचे गिर जाएगा आप। आरी बात यहाँ पर भी आपको समझ लगे ना, वो पत्ता ऐसा ऐसा नहीं झूमने लगता डालियों के साथ, वो पत्ता नीचे ही गिरता है ड्यू टू दी इनर्जी ऑफ रेस्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ऐसा नहीं है कि बस ट्रैवलिंग में, इवन आप ट्रेन में भी यदि ट्रैवलिंग कर रहे होंगे, आप में से सभी लोगों ने ऑलमोस्ट किया होगा, है ना, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने ये ट्रैवलिंग की होगी ट्रेन वगैरह में, तो आपने एक्सपीरियंस कई बार किया होगा, है ना, किसी स्टॉप से अचानक से बस ट्रेन चलना शुरू होती है, तब क्या होता है यहाँ पर भी आपको, तब पीछे के तब झटका महसूस होता है, ना केवल ट्रेन, ना केवल बस, इवन हर वो व्हीकल में भी आप ये चीज़ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, चाहे टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर, है ना। जब कभी कोई चीज़ रुकी हुई अवस्था से चलना शुरू करती है, अचानक से चलना शुरू करती है, जैसे सपोज मैं कार स्टार्ट करी और रैंडमली हुआ, मैंने क्या किया यहाँ पर भी क्लच छोड़ा और अचानक से मैंने एक्सीलरेट कर दी गाड़ी, तो होगा क्या, मुझे हमेशा क्या होगा यहाँ पर भी झटका महसूस होगा, है ना। रुकी हुई चीज़ को जब कभी आप स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, रुकी हुई चीज़ को ना, चाहे वो फिर वो बाइक हो, चाहे फिर वो कार हो, चाहे बस हो, चाहे फिर वो ट्रेन हो, नो मैटर काइंड ऑफ व्हीकल वी हैव, नो मैटर काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट आर हियर, द थिंग इज कि आप यदि रुकी हुई अवस्था पर अचानक चलना शुरू कर देते हैं, एकाएक यदि आप बैठे और एकाएक यदि मोशन आ जाता है उसमें, उस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट में, तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या, आपके पैर, आपके फिट वो तो कॉन्टैक्ट में हैं, है ना, जिसके चलते वो तो चेंज को एक्सेप्ट कर लेंगे आसानी से, वो तो कॉन्टैक्ट में, इस वजह से चेंज एक्सेप्ट कर लेंगे, वो मोशन के साथ बह जाएंगे, बट व्हाट अबाउट दी अपर बॉडी, जो अपर बॉडी है वो तो कॉन्टैक्ट में डायरेक्टली नहीं थी, उसमें चेंज आने में टाइम लगेगा, वो इस चेंज का अगेंस्ट करेगी जस्ट बिकॉज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। वो तब से स्टॉप पोजिशन में था व्हीकल जिसके अंदर वो पैसेंजर बैठा हुआ था, वो पैसेंजर की अपर बॉडी पूरी तरह से सुस्त आ गई थी, सुस्ताने की वजह से क्या हो गया है, वो अभी सुस्त पोजिशन में बने रहना चाहता है ना, अपनी पोजिशन का अगेंस्ट करता है, वो चेंज एक्सेप्ट नहीं करता है, बस यही वजह है कि आप क्या होता है, आपके पैर आगे भाग चुके होते हैं, लेकिन आप अब भी अपर बॉडी आपके पीछे बने रहना चाहती है उसी पोजिशन में, है ना, पैर अचानक से खींचा गया, तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे यहाँ पर भी प्रीवियस कंडीशन में बने रहना चाहते हैं, प्रीवियस पोजिशन में बने रहना चाहते हैं, बैक साइड आप बने रहना चाहते हैं, दैट्स व्हाई आपको बैकवर्ड फॉलिंग होती है, आप बैकवर्ड गिर जाते हैं, ठीक है। इस तरीके का आपने कई व्हीकल्स में या किसी भी तरीके के ट्रांसपोर्ट में एक्सपीरियंस किया होगा यहाँ पर भी, ठीक है। चलिए अब हम समझेंगे यहाँ पर भी किसको, द इनर्शिया ऑफ मोशन को, ठीक है। ओके, here we have another type of inertia, you can see here inertia of motion, okay, ये भी आपने मतलब due to the inertia of motion भी आपने काफी कुछ अपने daily life में experience किया है, ठीक है, but before going to discussion on your experiences, first let's define it. So, what's the definition of this kind of inertia? The tendency, again, the tendency of a body to oppose or resist or against any change in its state of uniform motion. In its state of uniform motion. ध्यान देंगे आप क्या? किस अवस्था में परिवर्तन कर लो? एक समान गति करती हुई अवस्था. एक समान गति करती हुई अवस्था, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट अ यूनिफॉर्म मोशन। आरी बात यहाँ पर मैं आपको समझ, यूनिफॉर्म मोशन, अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जो है तो मूविंग ऑब्जेक्ट, बट ऑब्वियसली वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, और तब तक करता रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल एजेंट उस पर फोर्स अप्लाई ना करे। ये बात न्यूटन्स कहते हैं, कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजिशन में तब तक चेंज नहीं कर सकता, खुद से चेंज नहीं कर सकता, या तब तक चेंज नहीं कर सकता जब तक कि कोई थर्ड पर्सन या एक्सटर्नल एजेंट उस पर फोर्स अप्लाई ना करे। खुद ब खुद कोई ऑब्जेक्ट अपने अंदर चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट या हर एक बॉडी में बाय डिफॉल्ट एक टेंडेंसी होती है, और वो टेंडेंसी क्या है, इनर्शिया, और ड्यू टू द इनर्शिया वो क्या कर सकता है, खुद में कोई चेंज नहीं करेगा, इवन अपने अंदर होने वाले या किसी के थ्रू, है ना, उन्होंने करने वाले चेंज को भी वो अगेंस्ट करेगा।
शुरू में तो वो अगेंस्ट ही करेगा यहाँ पर लाइफ में किया, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्सपीरियंसेस जो आपने अपने लाइफ में किए हैं, मैंने एग्जाम्पल्स के तौर पर ले रखा है। बट बिफोर दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, न्यूटन्स ने क्या कहा, न्यूटन्स ने क्या कहा, कोई भी, उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया, कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे वो ऑब्जेक्ट की पोजिशन रेस्ट में हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो यहाँ पर किसी यूनिफॉर्म मोशन में, है ना, तो दोनों ही कंडीशन में वो अपनी पोजिशन या अपनी स्टेट को बदल नहीं सकता, खुद ब खुद नहीं बदल सकता, उसमें वो किसी भी तरीके का चेंज नहीं कर सकता, जस्ट बिकॉज उसकी वो टेंडेंसी है ही नहीं। उसकी टेंडेंसी तो बल्कि क्या है, चेंज को एक्सेप्ट ना करने की, इट वॉन्ट्स टू कंटिन्यू टू रिमेन सेम। आर्यभट्ट यहाँ पर आपको समझ, उसी के साथ लगातार बना रहना चाहता है, वो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है दिस बाय दिस टेंडेंसी, और ये ऐसा नहीं चलेगा ना, ऐसा नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं स्टेट में चेंज चाहिए, वो बेसिक रिक्वायरमेंट है। भाई आप यूनिफॉर्म मोशन क्या करते हुए गाड़ी चला लेंगे, ना ना ना, एक्सीडेंट हो जाएगा भाई, समय पर आपको ब्रेक भी दबाना पड़ेगा, समय पर आपको एक्सेलरेटर भी देना पड़ेगा। अब भाई आपके पास कम समय और आपको कहीं पर पहुँचना है ना, तो आप ऑब्वियसली एक्सेलरेटर देंगे और गाड़ी को एक्सेलरेट करेंगे, टेंस गाड़ी को भगाएंगे। वहीं अचानक से कोई आपकी गाड़ी के सामने आ जाता है या ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, आपको रुकना है, तो भाई आपको ब्रेक अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो ब्रेक पर भी आप क्या करते हैं, पैरों के थ्रू फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक वैसे ही क्या करते हैं आप यहाँ पर पे, जैसे गाड़ी को भगाना तो भी आप एक्सीलेटर पर फोर्स पैर दबाते, दैट मीन्स फोर्स अप्लाई करते हैं, तब गाड़ी एक्सीलेट होती। दोनों कंडीशन में फोर्स देना पड़ रहा है। गाड़ी की सीट पर, ड्राइविंग सीट पर जो ड्राइवर बैठा है, वो ड्राइवर क्या करेगा यहाँ पर पे, फोर्स अप्लाई करेगा। वो ड्राइवर थर्ड पर्सन है, वो एक्सटर्नल एजेंट है जो क्या करेगा, एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करता है गाड़ी पर। गाड़ी खुद ब खुद अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती, अपनी स्टेट में चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें तो ड्यू टू इनर्शिया वो अपनी पोजीशन में बने रहना चाहती है। यदि रफ्तार 5 किलोमीटर पर आवर की थी तो अभी 5 किलोमीटर ही बनी रहेगी। इज दैट ओके नॉट, समझ में आ रहा है आपको, रफ्तार अभी, सॉरी 20 सपोज कीजिए, 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार है तो अभी 20 किलोमीटर पर आवर ही बनी रहेगी यदि मैं उसे एक्सेलरेट ना करूँ। आरी बात यहाँ पर के साथ गियर चेंज करने के साथ साथ आपको ये दो काम भी करने पड़ते हैं भाई, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो मोशन यूनिफॉर्म पॉसिबल है सड़कों पर, मोशन यूनिफॉर्म पॉसिबल नहीं है, तो ज़रूरत पड़ी ना यहाँ पर मोशन को चेंज करने की, या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने की ज़रूरत पड़ी कि नहीं पड़ी यहाँ पर, तब उस ड्राइवर ने वहाँ पर फोर्स अप्लाई कर दी, कभी एक्सेलरेट किया तो कभी ब्रेक अप्लाई किया। आरी बात यहाँ पर आपको समझ में क्या बोल रही हूँ, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही सड़कों पर पॉसिबल है, यूनिफॉर्म पॉसिबल नहीं है। तो यूनिफॉर्म मोशन कर रहे किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी की पोजिशन में चेंज रिक्वायर्ड होता है, लेकिन ये चेंज खुद ब खुद नहीं आएगा, जिस बिकॉज उसकी टेंडेंसी है ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशंस, वो क्या करेगा यहाँ पर पे, वो क्या करेगा यहाँ पर पे, अपोज करेगा अपनी उस यूनिफॉर्म मोशंस में चेंज का, अपोज करेगा, ध्यान रखें यहाँ पर पे। वहाँ पर आपको या हमको किसी एक्सटर्नल एजेंट को एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई करना पड़ेगा ताकि चेंज हो सके उसकी स्टेट। और इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यदि फोर्स अप्लाई ना किया जाए, है ना, तो क्या सिचुएशन आएगी ड्यू टू दिस इनर्शिया ऑफ मोशन, क्या सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर द पैसेंजर फॉल्स फॉरवर्ड, यहाँ पे फॉरवर्ड गिर रहे हैं, यानी आगे की ओर झुक जाता है, आगे की ओर गिरता है व्यक्ति, यानी कि पैसेंजर्स। व्हेन अ फास्ट मूविंग बस स्टॉप्स सडनली, ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पर पे, कोई बस है बढ़िया स्पीड में चल रही है यहाँ पर पे, स्पीड में चलते हुए कोई अचानक से बस के सामने कोई गाड़ी या कोई गाय आ गई, सपोज कीजिए गाय आ गई, तो ड्राइवर क्या करेगा, घबरा जाएगा, घबराते हुए क्या करेगा, जब स्पीड में गाड़ी चल रही हो तो उसने अचानक से ब्रेक अप्लाई कर दिया, अचानक से उसने ब्रेक अप्लाई कर दिया, अचानक से बस रुक गई, एक का एक सडनली रेंडमली बस अचानक से क्या हो गया यहाँ पर रुक गई, कोई रेंडम सा क्या आ गया यहाँ पर, गाय बैल बकरी आ गया यहाँ पर, जिसके चलते उसने सडनली ब्रेक अप्लाई किया और जिसके चलते इतनी स्पीड से स्पीड अचानक से क्या हो गई, जीरो हो गई यहाँ पर। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपके पैर है ना, आपकी लोअर बॉडी का जो हिस्सा है पैर, जो कि बस की सरफेस के कांटेक्ट में थे, वो तो उस चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, दैट मींस बस के रुकने पर वो तो रुक जाते हैं। बट व्हाट अबाउट योर अपर बॉडी, आपकी जो अपर बॉडी है उस चेंज को इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगी, जस्ट बिकॉज वो बस की सरफेस के कॉन्टेक्ट में नहीं थी, वो अभी क्या होगी, मोशन में बने रहेगी, है ना, वो मोशन में बनी रहेगी, क्योंकि इतने देर से बस चल रही थी, आपकी पूरी बॉडी में वाइब्रेशन बना हुआ था, आपकी पूरी बॉडी कहीं ना कहीं उस मोशन को, उस स्पीड को
को कैच कर चुकी हुई थी। तो आपकी अपर बॉडी अब भी मोशन में बने रहना चाहती है, वो उस मोशन का अगेंस्ट करती है क्योंकि वो कॉन्टैक्ट में नहीं है, एंड दैट्स व्हाई वो आसानी से चेंज एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब भी क्या होगी, वो मोशन में बने रहना चाहती है, दैट मीन्स ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन वो आज भी मोशन में बने रहेगी, और मोशन में बने रहेगी बच्चों की अचानक से ब्रेक लग गया मतलब वो उस चेंज का अगेंस्ट करेगी। वो तो आज भी मोशन में बना रहना चाहती है अपर बॉडी, मतलब अपर बॉडी अब भी फॉरवर्ड मोशन करते रहना चाहती है ना। पैर रुक चुके हैं, ब्रेक लगने पर पैर रुक चुके, जिसको पैर क्या थे कॉन्टेक्ट में थे, तो जैसे ही बस रुकी मतलब पैर भी रुक गए, सबकस वो कॉन्टेक्ट में थी, पर अपर बॉडी ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन अब भी मोशन पे बने रहना चाहती है ना। पैर रुक गए लेकिन अपर बॉडी अब भी मोशन करती है, और अब भी मोशन करते हुए वो क्या करेगी, आगे की तरफ झूल जाएगी। इज दैट ओके या नॉट? भाई पैर भी मोशन कर रहे होते हैं तो झुकने का सवाल खड़ा नहीं होता, बट पैर अचानक से रुक गए हैं और अपर बॉडी क्या हो गई है, अब भी मोशन की सिचुएशन में बनी हुई है ना, जिसके चलते वो आगे झुक गई। Is that okay or not? आपको समझ में आ रहा है, आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है, और ये घटना सिर्फ बस में नहीं बल्कि किसी भी चलते व्हीकल में देखने मिल सकती है। बस ट्रेन, जैसे कि आप देखे होंगे ट्रेन आपका स्टॉप आने वाला रहता है, सपोज आप अंबिकापुर जा रहे हैं, आपका अंबिकापुर आने वाला है आपका स्टॉप, तो आप क्या करते हैं तैयारी शुरू कर देते हैं, अपना लैगेज निकालना शुरू कर देते हैं, और लैगेज निकाल के आप बड़े से खड़े हो जाते हैं कि चल भाई मेरा स्टॉप तो आ गया। और जैसे ही ट्रेन क्या होती है, वैसे तो ट्रेन धीरे धीरे क्या करती है, दूर से ही देखती है कि भाई स्टेशन आ गए तो अपनी स्पीड कंट्रोल कर लेती है ना, धीरे 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 डिक्रीज करते जाते हैं, स्टॉप के आने पर रुकती है। लेकिन देखो वो धीरे धीरे डिक्रीज करिए, बावजूद जब वो पूरी तरह से रुकती है तब भी हमारी बॉडी क्या होती है, उस वक्त तक भी उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करती हमारी अपर बॉडी। हमारी अपर बॉडी उस टाइम इंटरवल में भी अपना वो चेंज एक्सेप्ट नहीं करती है, अब भी वो मोशन में बने रहना चाहती है थोड़ा बहुत, बट अब भी वो मोशन में बने रहना चाहती है। और जब वो ब्रेक फाइनली ट्रेन जब उस स्टॉप पर रुकती है, उस स्टेशन पर रुकती है, तो आपकी अपर बॉडी चूंकि वो उस टाइम इंटरवल पर खुद को प्रिपेयर नहीं कर पाई थी, वो उस चेंज को अब भी एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी, और अब भी वो मोशन में बने रहना चाहती है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन वो अब भी मोशन में बने रहना चाहती है, और जिसके चलते आप ब्रेक लगने के बाद यानी ट्रेन के रुकने के बाद भी आपकी जो अपर बॉडी है वो आगे ट्रैवलिंग करना चाहती है, आगे मोशन करते रहना चाहती है, जिसके चलते आपको आगे की तरफ झुकाव महसूस होता है। आपने एक्सपीरियंस किया होगा, आपका स्टॉप जब भी आता है आप बड़े से खड़े हो जाते हैं, और विदाउट सपोर्ट आप यदि खड़े होते हैं तो आप किसी पर गिर जाते हैं, झूलते हुए आगे की तरफ झुकते हो आप किसी पर गिर जाते हैं, इसलिए ज़रूरी होता है जैसे आपका स्टॉप आना हो, बस का रुकना हो, आप किसी चीज़ से खुद को होल्ड करके रखिए, वरना आप क्या होंगे सामने वाले पर गिर जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो जब बस चलती है तब भी खुद को रेडी रखिए, और बस जब अचानक से रुकनी है, आपको पता है बस या ट्रेन किसी स्टॉप पर किसी स्टेशन पर रुकनी है, तब भी खुद को होल्ड करके रखिए, है ना, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आप एक्सपीरियंस करेंगे यहाँ पर। तो चलिए आज की क्लास यहाँ पर खत्म करते हैं। बिफोर एंड ऑफ दिस क्लास आप ये एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल बिल्कुल सेम है, ये एक्सपीरियंस भी सेम है, इसके लिए भी जो रिस्पॉन्सिबल है वो इनर्शिया ऑफ मोशन यहाँ पर। चलिए तो फिर आज की क्लास खत्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे का पढ़ेंगे यहाँ पर, आगे का इट मीन्स नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे।